बेटा मेरे साथ एक बार बोलिए तो सही, राधे राधे। तो यही वो जगह है जहाँ पर भगवान देवी आज भी रास बचाते हैं। हेलो गर्ल्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। तो कुछ दिनों पहले आपने देखा था अरुणाचल एसी एक्सप्रेस का ब्लॉग। आप लोगों को पता है कि मैं दिल्ली आया हूँ एंड दिल्ली से आज हम लोग जा रहे हैं वृंदावन मथुरा, बिकॉज आज है जन्माष्टमी। तो जरा मेरे साथ एक बार बोलिए राधे राधे और चलिए इस स्पिरिचुअल टूर को शुरू करते हैं टूवर्ड्स मथुरा। तो आज हम लोग जर्नी कर रहे हैं ऑन समता एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 12808 एंड यहाँ से ये खुलेगी सुबह 7 बजे के आसपास एंड हम लोग मथुरा पहुँचेंगे 8:33 पे, अगर ये ट्रेन लेट नहीं होती है तो। तो ये ट्रेन चलती है फ्रॉम हज़रत निज़ामुद्दीन टू विशाखापट्टनम। टोटल डिस्टेंस हम लोग कवर करेंगे अप्रॉक्सीमेटली 130 किलोमीटर। ये ट्रेन वेडनेसडे एंड संडे को छोड़ के बाकी सारे दिन चलती है। तो एक बार टाइमिंग्स वगैरह आप देख लीजिएगा, इंटरनेट में सारा डिटेल्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगी। सो हेलो गाइस, दिस इज उदेश दास ओवर हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द उदेश ब्लॉग्स। तो चलो वीडियो शुरू करी। तो देखिए यहाँ पे लगेज लोडिंग का काम चल रहा है। तो आज हमारी जो ट्रेन है वो चलेगी वेब 7 के साथ। लास्ट टाइम जो हम अरुणाचल एसी एक्सप्रेस से दिल्ली आए थे वो आई थी WAP4 वेब 4 के साथ, कल्याण लोकल सेट की वेब 7। दोस्तों तो ये देख लीजिए, ये है हमारे सेट 71 साइड लोअर, सामान वगैरह सब कुछ मैंने रख दिया है। चलिए सिग्नल हो गया हजरत निज़ामुद्दीन से हमारा सेट 71। 7 बजे खुलने के बाद फिर 7:01 पर हमारी ट्रेन खुलेगी। सो लेट्स स्टार्ट दिस स्पिरिचुअल जर्नी टूवर्ड्स मथुरा वृंदावन। जरा एक बार मेरे साथ ये श्लोक दोहराइएगा, ईश्वरः परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी जन्माष्टमी टू यू। वैसे मैं रात भर सोया नहीं हूँ जन्माष्टमी के चक्कर में, बहुत एक्साइटेड हूँ एंड शायद अपना पूरा खानदान में पहली बार कोई है, कोई ऐसा लड़का है जो वृंदावन जा रहा है, वो भी अकेले, बाकी रिलेटिव्स का नहीं पता, लेकिन मेरे परिवार में मैं पहला हूँ जो वृंदावन जा रहा है। बाय बाय निज़ामुद्दीन, फिर मिलते हैं 2 दिन बाद। ट्रेन बोलेंगे यार, फिर से ये चीज क्यों होता है यार, फिर चेन पुलिंग हो गया। अच्छे से तो डिपार्चर हो रही थी, चेन पुलिंग चलिए डिपार्चर हो रहा है अभी फाइनली। जैसे ट्रेन हमारे निकल रहे थे पहले ही चेन पुलिंग हो गया एंड ब्लॉग बनाने से पहले ही RPF के स्टाफ ने बोल दिया कि भाई थोड़ा कैमरा वगैरह संभाल के रखो, मोबाइल भी संभाल के रखो, क्योंकि चोरों की कमी नहीं है इस जगह पे, डंडे मार के आपका मोबाइल और आपका कैमरा सब ले लेंगे। तो भाई देख लीजिए, ट्रेन का जर्नी शुरू होने से पहले हमारे एक मित्र मिल गए जो हमारे को पैसेंजर है और इन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आप ही करिए। तो हमारा ट्रेन बहुत गजब का एक्सीलरेट कर रहा है एंड अभी हम लोग फ्रेट ट्रेन को ओवरटेक करने वाले हैं। दोस्तों ये देख लीजिए, ये है हमारा पहला स्किप ओखला स्टेशन।
टुवर्ड्स मथुरा, यहाँ से 3-4 किलोमीटर्स के आसपास है। वो देखिए वहाँ से कोई लाइन जा रही है, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, आप लोगों को अगर पता है तो बताइएगा ज़रूर कमेंट करके नीचे में। कोटेश्वर में वो जो लाइन है कनेक्ट हो जाएगी। हेलो दोस्तों, सो वी आर स्किपिंग कोटेश्वर। इस ट्रैक पे और एक कोई ट्रेन आ रही है, देखते हैं उसका भी स्किप दिखाते हैं आपको। अरे भाई साहब, देवकीनंदन ठाकुर जी का फोटो। वेलकम टू ब्रज भूमि। कुछ लोग यहाँ ट्रेन से चलती ट्रेन से उतर रहे हैं, यार ये रिकमेंड नहीं करूँगा आपको कि आप लोग। सो वी आर फाइनली अराइव्ड मथुरा जंक्शन। अब देखते हैं किस प्लेटफॉर्म पे हमारी एंट्री होती है। वैसे इस ट्रैक पे एक ऑलरेडी ट्रेन है खड़ी है सर। बांद्रा टर्मिनल हज़रत निज़ामुद्दीन गरीब रथ एक्सप्रेस, प्लेटफॉर्म इस तरफ है। अभी पहुंच चुकी है अपने पहला हॉल्ट मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन, स्टेशन कोड MTJ एंड यहाँ पे जो अराइवल टाइम था ना वो था 8:33 को, लेकिन हमारी ट्रेन यहाँ पे 8:24 को पहुँचा दी है। सो वी आर बिफोर टाइम, तो यहाँ पे लगभग ट्रेन 7-8 मिनट्स रुकेगी एंड यहाँ से हम लोग अभी निकलेंगे, जाएंगे अपने होटल एंड वापस से ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए बाहर निकलते हैं, देखते हैं कि वृंदावन बस मिलती है कि नहीं। 8:27 हो गया है, 9 बजे से आई गेस वो मिलती है। सो चलिए निकलते हैं बाहर। स्पेशल थैंक्स टू समता एक्सप्रेस, फाइनली ब्रज धाम पहुँचा दिया हमें। वैसे आप लोग सोच रहे होगा कि मैं स्लीपर क्लास में क्यों ट्रेवल किया। दरअसल एक घंटा का जर्नी था फ्रॉम दिल्ली टू मथुरा, तो मैंने सोचा कि छोटी सी जर्नी के लिए AC का टिकट लेने का कोई मतलब नहीं बनता, इसलिए स्लीपर में मैंने जर्नी कर लिया। एंड सच बता रहा हूँ, स्लीपर का एक्सपीरियंस एंड जो AC का एक्सपीरियंस है वो बहुत डिफरेंट है। असली जो ट्रेन की मज़ा है ना, असली जो ट्रेन का वाइब है वो आपको स्लीपर में देखने को मिलेगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि लोग थोड़ा ज़्यादा रहते हैं क्योंकि किराया कम है, साफ़ सफाई उतनी नहीं रहती, थर्ड AC लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं थर्ड AC सेकेंड AC को। लेकिन ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा अगर आपको, तो स्लीपर का जर्नी ज़्यादा बेटर है AC से। जो असली वाइब है ना वो स्लीपर में आती है, AC में नहीं। दोस्तों देख लीजिए, जैसे मैं प्लेटफॉर्म से उतर के बाहर निकल रहा था, मुझे ये सारे जो मेन लोकेशंस है जहाँ पर वृंदावन में घूमने के लिए लोग रिकमेंड करते हैं वो सब दिख रहा है यहाँ पे। हर एक धाम का चित्र बनाया है, चाहे वो गोवर्धन हो, गोकुल हो, आपका वृंदावन हो, पागल बाबा मंदिर, गोवर्धन जी मंदिर, श्री राधा माधव मोहन मंदिर, वैष्णो देवी मंदिर, वंशीवट मंदिर, वंदा कुंड, रंग जी मंदिर, प्रियकांचू मंदिर, सब कुछ है। मतलब स्टेशन पे आप उतरेंगे ना तो आपको पूरा ऐसा अनुभव होगा कि स्पिरिचुअलिटी का अनुभव होगा, क्योंकि हर जगह पर जितना भी मंदिर है ना उस सब का चित्र बनाया गया है। एक बार चलते हैं बाहर, देखते हैं कितना दूर है। वैसे हमें जाना है यहाँ से प्रेम मंदिर। हेलो दोस्तों, समता एक्सप्रेस निकल रही है मथुरा जंक्शन से। अच्छा दोस्तों, तो इसका एग्जिट आपका प्लेटफॉर्म नंबर 1 से ही है। थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको राइट टर्न लेना होगा जहाँ से आप एग्जिट कर सकते हैं। एक्चुअली मैं कंफ्यूज हो गया था, मैं आगे पीछे 3-4 बार किया हूँ, तब जाके कोई सब बोलते हैं कि 1 नंबर से है। लेकिन यहाँ पे आने से ये देख लीजिए, यहाँ पे भी मुझे रेलवे ट्रैक दिख रही थी। मुझे लग रहा था कि यहाँ पे भी कुछ प्लेटफॉर्म्स वगैरह है क्या, लेकिन मैं गलत था, यहाँ से ही एग्जिट है प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। भाई भीड़ देख रहे हो आप, भयंकर भीड़ है भाई, भयंकर भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ हुआ है भाई साहब, बहुत हालत टाइट हो चुकी है। मुश्किल से 80 रुपये का
सवारी मिला मुझे। वैसे 30 रुपीज़ लिया जाता है, लेकिन आज भले सुन रहे हैं हम योगी बाबा आ रहे हैं, हमारे योगी आदित्यनाथ जी, उसका वजह से बहुत सारा जो मेन रोड्स है उसको ब्लॉक कर दिया गया है एंड हम लोग बाईपास होकर जाएंगे, जहाँ तक हमारे जो ड्राइवर साहब है वो बता रहे थे। अगर आप रिजर्वेशन के लिए पूछेंगे, मतलब कोई रिजर्व गाड़ी लेंगे, तो 500 रुपीज़ चार्ज बोल रहे हैं, जो मेरे लिए थोड़ा सा महंगा हो जाता किराया। तो हम लोग अभी इसमें चल रहे हैं, अब उपाय नहीं है, देखिए ना बाहर बैठ कर झुलझुल के जा रहे हैं। वैसे भी ट्रेन में झुलझुल के आए और यहाँ पर भी झुलझुल के ही जा रहे हैं। अब आशा करता हूँ जल्दी जल्दी प्रेम मंदिर पहुँच जाओ, होटल में जाओ, थोड़ा रेस्ट लो, फिर निकलो। हेलो दोस्तों, तो ये था एक छोटा सा ट्रेन जर्नी फ्रॉम न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन टू मथुरा रेलवे स्टेशन। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि जो व्लॉग अगस्त में आना चाहिए था वो व्लॉग अक्टूबर में क्यों आ रहा है। दरअसल मैं आपको बताऊं, जिस दिन मैं वृंदावन में था सेम डे मुझे व्लॉग अपलोड करना था, यही सोचे मैं गया था, लेकिन जब मैं जन्माष्टमी घूम के आया ना, मेरा हालत बहुत टाइट हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा। मतलब विश्वास करेंगे, एक तो ये गोप्रो इसका 128 GB ऑलरेडी फुल था अरुणाचल एसी एक्सप्रेस का व्लॉग को लेकर, अब वीडियो कॉपी होने में भी बहुत समय लग गया, पहला बात। दूसरा बात, मेरा हालत बहुत ज़्यादा ख़राब था। जैसे ही मैं लैपटॉप लगे एडिटिंग करने बैठा, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं सो गया, मतलब मुझे नींद आ गया, इतना मतलब थक गया था मैं। रात भर मैंने लैपटॉप खुला छोड़ दिया था, सुबह 8 बजे मेरा आँख खुला एंड फिर 8 बजे वापस मैं भागा बरसाना की ओर। तो शेड्यूल बहुत टाइट था एंड उसके बाद जब मैं रिटर्न आया तो मेरा MBA के क्लासेस वगैरह शुरू हो गई, तो इस चक्कर में थोड़ा सा शेड्यूल टाइट चल रहा है। आप लोगों को दिख भी रहा होगा कि मैं ब्लॉग टाइम टू टाइम नहीं ला पा रहा हूँ, बट इंतज़ार कीजिएगा क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर जैसा ही ख़त्म होता है उसका बाद वापस से ट्रेन जर्नी में करने वाला हूँ। एंड इस बार का जो व्लॉग होगा ना, दैट विल बी ऑफ मणिपुर सेक्शन, अगरतला वाला सेक्शन अभी भी छूटा हुआ है जिसको मैंने कवर करना है, एंड एक लॉन्ग जर्नी होगी। वो लॉन्ग जर्नी कहाँ की होगी आप लोग कमेंट करके बताओ। आप लोग जिस रूट में जाने के लिए बोलेंगे मैं वो रूट में ट्रैवल करूँगा। वैसे भी बहुत सारे रिक्वेस्ट आके पड़े हुए हैं, मैं एक एक करके कोशिश करूँगा कि सारे ट्रेन जर्नीज को कवर कर सकूँ। हाँ, थोड़ा देर हो सकता है आप लोग का रिक्वेस्ट पूरा करने में, लेकिन वीडियो ज़रूर आएगा। तो बस इस व्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं, ज़्यादा नहीं खींचेंगे। जन्माष्टमी का जो व्लॉग है वो सब अगले वीडियो से मैं कंटिन्यू करूँगा। मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत एंड हरे कृष्ण टू एवरीवन। दिस इज उदेश दास साइनिंग ऑफ ऑल द वे फ्रॉम माई होम। बाय बाय।